स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के वाच्य विषय को पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि वाच्य क्या होता है। वाच्य क्लास टेंथ में वाच्य एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह आपके टेंथ के परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। और टेंथ की जो परीक्षा होती है वो सबके लिए आशा भरी होती है, क्योंकि आपके जीवन का पहला ही ऐसा परीक्षा है जिसमें कि आपको कुछ करके दिखाना है, अपने आप को साबित करना है, अपने माँ बाप के अरमानों को भी पूरा करना है, दिखाना है कि हाँ हम पढ़ने में अच्छे हैं, अपना 100% आपको इस एग्जाम में देना है। तो इसलिए टेंथ सिलेबस के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंट्स को आप इतने अच्छे ढंग से पढ़िए कि उसमें आप 100% करके आए, एक नंबर भी छूटने की गुंजाइश ना हो। तो वाच्य से भी प्रश्न आते हैं, इसलिए वाच्य को समझना आपके लिए निहायत जरूरी है। और वाच्य को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। बहुत सरल शब्दों में मैं इसको समझाने वाला हूँ, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर वाच्य में बहुत अच्छी समझ बनाना चाहते हैं तो वीडियो स्किप करके मत भागिएगा, आप अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। वाच्य क्या होता है बच्चों? आपने जो हिंदी के वाक्य पढ़े हैं, जैसे राम किताब पढ़ता है, तो राम किताब पढ़ता है, और फिर उसी को हम पढ़े तो सीता किताब पढ़ती है। तो यहां पढ़ता है और पढ़ती है में अंतर आ रहा है। तो यह जो परिवर्तन आता है वाक्य में, वाक्य के क्रिया में जिस तरह से परिवर्तन आता है, जिन कारकों की वजह से परिवर्तन आता है, उनको हम लोग वाच्य कहते हैं, ठीक। और ये वाच्य तीन तरह के होते हैं, इसमें तीन प्रकार से परिवर्तन आता है वाक्य में। अगर आप देखेंगे तो पहला परिवर्तन आता है, इसको कर्तृवाच्य कहते हैं, कर्तृवाच्य। और दूसरा हो जाता है कर्मवाच्य, और तीसरा भाववाच्य होता है, भाववाच्य। अगर आप इन तीनों शब्दों को समझ जाते हैं तो वाच्य की समझ आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। यह क्या है? यह कर्तृवाच्य है, यह कर्मवाच्य है, और यह भाववाच्य है। तो कर्तृवाच्य कहने से आपका क्या तात्पर्य लग रहा है? इसका मतलब क्या होगा? कर्तृ मतलब कर्ता, जिस वाच्य में कर्ता का भाव हो, जैसे कर्ता की प्रधानता हो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की वजह से क्रिया में परिवर्तन होता हो। जैसे आप इसका उदाहरण देख लीजिए, मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है। अब इसी जगह पर आप मोहन की जगह पर सीता रख दीजिए, तो होगा सीता किताब पढ़ती है। यहां पर एक चीज आया, यहां आया पढ़ता है और यहां पढ़ती है, क्रिया में परिवर्तन आया, क्रिया के रूप में परिवर्तन आया, क्रिया के लिंग में परिवर्तन आया। तो जब क्रिया के लिंग और वचन में परिवर्तन कर्ता के आधार पर हो और कर्ता इसमें मुख्य हो, कर्ता के वजह से ही क्रिया में परिवर्तन होता हो, तो उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? उस वाक्य में कर्तृवाच्य होगा और कर्ता की प्रधानता होगी, ऐसा कहा गया। आपने भी देखा यहाँ कर्ता की वजह से, मोहन करता है किताब पढ़ने का काम, कौन करता है? मोहन कर रहा है। यहाँ किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है। तो जब मोहन आता है, मोहन चूंकि पुलिंग शब्द है तो क्रिया भी पुलिंग हो जाता है, और सीता स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाती है। तो इसका मतलब कि जब क्रिया का रूप कर्ता की वजह से उसमें विकार आए, क्रिया के रूप में विकार आए, परिवर्तन आए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। उसी तरह आप कर्मवाच्य को देख लीजिए। कर्मवाच्य क्या है? तो क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो और कर्म की वजह से क्रिया का रूप बदल जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे आप देखिए, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, और सीता ने दूध पिया। अब देखिए, राम ने रोटी खाई और सीता ने दूध पिया। यहां राम तो पुल्लिंग है लेकिन खाई शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है, क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग है। रोटी क्या है? रोटी कर्म है। तो यहां कर्म के आधार पर क्रिया के रूप में परिवर्तन हो रहा है, और यहां देखिए सीता स्त्रीलिंग है,
लेकिन यहाँ पिया पिया शब्द जो यहाँ जो क्रिया हमने जो लगाया है यह पुलिंग में आ रहा है, क्यों? क्योंकि दूध क्या है, दूध पुलिंग शब्द है। तो इस तरह से यहाँ जो क्रिया में परिवर्तन हुआ यह कर्म के आधार पर हुआ और कर्म की प्रधानता हुई। राम ने रोटी खाई, रोटी प्रधान है इसलिए क्रिया का रूप रोटी के आधार पर बदला। यहाँ सीता ने दूध पिया, दूध प्रधान है इसलिए क्रिया का रूप दूध के आधार पर बदला, कर्म के आधार पर बदला। ठीक, या ऐसे भी इसको लिखते हैं कि राम के द्वारा रोटी खाई जाती है, रोटी खाई जाती है। उसके बाद अगर हम यहां रखते हैं सीता के द्वारा दूध पिया जाता है, यहां देखिए अब इन दोनों वाक्यों में फिर वही बात है कि यहां कर्म प्रधान है। ठीक, रोटी खाने का काम और दूध पीने का काम, ये कर्म प्रधान है और कर्म के प्रधानता के आधार पर यहाँ क्रिया के रूप में परिवर्तन हुआ है, क्रिया के लिंग में परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और कर्म के आधार पर क्रिया के लिंग वचन इन सभी चीजों में जब परिवर्तन आए तो उन वाक्यों को हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में आपने देखा है कि जिसमें क्या प्रधान हो, इसमें कर्ता प्रधान हो। एक और चीज आता है इसमें, कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया आती है, और अकर्मक इसमें दोनों क्रिया आती है, और इसमें सिर्फ सकर्मक, चूंकि कर्म है तो कर्म तो आएगा ही। इसमें कर्म है तो यह क्रिया सकर्मक ही होगी। आपने सकर्मक और अकर्मक पढ़ा होगा कि जिन वाक्य में कर्म नहीं होता है उसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। चूंकि यह कर्म वाक्य है तो बिना कर्म के तो कर्म वाक्य होगा नहीं, इसलिए यह सकर्मक होगा। और यह मोहन किताब पढ़ता है, यहाँ मोहन पढ़ता है भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए मोहन पढ़ता है, हो गया। तो अब मोहन पढ़ता है इसमें कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी यह कर्तृवाच्य है। यहां जब भी होगा तो राम ने रोटी खाई, सीता ने दूध पिया, कर्म की प्रधानता है, कर्म है, इसमें कर्म होते ही हैं। तीसरा वाच्य होता है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता हो और इसका सबसे खास गुण है कि ये अधिकांशतः नकारात्मक होते हैं, और ये नकारात्मक शब्द वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, निषेधात्मक होते हैं। इन सेंटेंसों के पहचान होते हैं कि जैसे मुझसे नहीं चला जाता, मुझसे नहीं चला जाता, ठीक। राम से रोटी नहीं खाई जाती, राम से रोटी नहीं खाई जाती। तो आपने देखा कि इस तरह का जो भी सेंटेंस आएगा इसमें भाव प्रधान है, मुझसे चला नहीं जाता, राम से रोटी नहीं खाई जाती, और निषेधात्मक वाक्य भी यह हो रहा है। तो आपने देख लिया कि वाच्य में क्या, वाच्य में बस यही सिंपल चीज है। आप अगर इसके अस्थाई भाव को पहचान लेते हैं तो आप कभी भी वाच्य को कहीं भी किसी भी तरह का प्रश्न आए तो आप उसको हल कर सकते हैं। वाच्य तीन तरह के होते हैं, कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, और भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता हो। सेंटेंस में क्रियापद जब कर्ता के आधार पर परिवर्तित होता हो, क्रिया में विकार जब कर्ता के आधार पर आता हो तो कर्तृवाच्य होगा, क्रिया में विकार जब कर्म के आधार पर आता हो तो कर्मवाच्य होगा,
और क्रिया में विकार जब भाव के आधार पर आता हो और निषेधात्मक हो तो यह भाववाच्य होगा। तो इस तरह से कर्तृवाच्य के सॉरी वाच्य के तीन प्रकार हुए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया और बहुत ही अच्छी आपकी समझ बन गई होगी। तो इसी तरह के हम बहुत सारे व्याकरण के वीडियो आपके लाते रहेंगे, इससे पहले भी बहुत सारे हमने डाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपके सारे सिलेबस पूरा करवाने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।